गुड मॉर्निंग क्लास, आज का टॉपिक है चेंज इन एंट्रोपी ऑफ लिक्विड विद प्रेशर। आपको बताया था जो एंट्रोपी होता है वो फंक्शन होता है किसका किसका, टेम्परेचर एंड प्रेशर का। और जो हमने एक फॉर्मूला निकाला था कल लास्ट और लास्ट लेक्चर में, हमने एक फॉर्मूला निकाला था एंट्रोपी चेंज। एंट्रोपी चेंज का जो हमने फॉर्मूला निकाला था वो क्या था हमारा, सीपी अपॉन टी डी टी माइनस डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम डी पी। ये हमने कल निकाला था, ये यहाँ पे निकाला था। ये देखिए फॉर्मूला हमने निकाला था क्या क्या रिलेशन बताने के लिए कि जो हमारी एंट्रोपी चेंज होती है वो किसका किसका फंक्शन होती है, इसमें टेम्परेचर और प्रेशर का। तो ये रिलेशन निकालने के लिए हमने एक इक्वेशन कल डिराइव की थी। आज हम उसी इक्वेशन को लेके चलते हैं, या हमने उस इक्वेशन को लिख लिया है डी एस एंट्रोपी चेंज इज इक्वल टू क्या है, सी पी अपॉन टी डी टी माइनस डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम डी पी, इक्वेशन वन। यहाँ पे ये जो डी टी है और डी पी है ये क्या रिलेशन दिखा रहा है, किसमें किसके बीच में, एंट्रोपी का रिलेशन किसके किसके बीच में, टेम्परेचर एंड प्रेशर के बीच में। एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, अगर हम एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर की बात करें तो टी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। जब यहाँ पे टी ज़ीरो हो जाएगा तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो हम क्या लिख सकते हैं एंट्रोपी चेंज, लिख सकते हैं माइनस डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट क्या लिख सकते हैं, डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वो प्रेशर डी पी। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर टू। आप अगर इसी को हमें कंप्लीट चेंज करना है तो कंप्लीट चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करेंगे तो डी एस कहाँ से कहाँ तक, एस वन से एस टू तक। ऐसे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल बी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर कहाँ से कहाँ तक, पी वन से पी टू, और ये हमारा क्या हो जाएगा डी पी। इसको हम और सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एस टू माइनस एस वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल पी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पी कहाँ से कहाँ तक, पी वन से पी टू तक। तो हम क्या लिख सकते हैं, पी टू माइनस पी वन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके, अब एस टू माइनस एस वन को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एस। डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा पी। तो ये क्या हो गया, ये जो एंट्रोपी चेंज आई है वो किसके रिस्पेक्ट में आई है, प्रेशर के रिस्पेक्ट में। ठीक, अब हम पढ़ते हैं एंट्रोपी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। यहाँ पे हमने पढ़ा था एंट्रोपी चेंज इन लिक्विड विद प्रेशर, मतलब एंट्रोपी किसका फंक्शन है, केवल मान लो प्रेशर का। तो हमने यहाँ पे प्रूव किया कि जो एंट्रोपी चेंज हो रहा है वो किसका है, प्रेशर का। अब यहाँ पे पढ़ेंगे एंट्रोपी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। हमने लास्ट लेक्चर में एक जो फॉर्मूला डिराइव किया था, क्या डिराइव किया था हमने, सी वी इज इक्वल टू डेल ई अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ठीक, मतलब हीट कैपेसिटी किसके रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, वो हमारा सी वी था, ये हमने डिराइव किया हुआ है। हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर किसके रिस्पेक्ट में, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में जो इंथैल्पी चेंज आता है वो हमारा क्या होता है, हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो ये दोनों फॉर्मूले हमने डिराइव किए थे। डी क्यू रिवर्सबिल की वैल्यू क्या निकल के आई थी, डेल ई आई थी, और डी क्यू रिवर्सबिल डेल ई के इसके इक्वल आया था, डेल एच के इक्वल आया था। अब सी वी है, सी वी में हमने क्या लिखा था, डेल एच अपॉन डेल ई अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो इस डेल ई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्यू रिवर्सबिल। ऐसे ही डेल पी इज इक्वल टू क्या था, डेल एच अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो डेल एच की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी क्यू रिवर्सिबल। तो हमने यहाँ पे डी क्यू रिवर्सिबल लिख दिया। ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर वन, और ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर टू। अब हमें पता है एंट्रोपी चेंज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। अब या अगर क्यू रिवर्सिबल की वैल्यू निकाले तो क्या हो सकता है, टी डी एस इज इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल। ये जो डी क्यू रिवर्सिबल है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, टी डी एस।
तो अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ डी क्यू रिवर्सिबल फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 3 इंटू इक्वेशन 1। अब इस ये जो डी क्यू रिवर्सिबल की वैल्यू है इसको हम कहाँ रखें, इक्वेशन नंबर 1 में। तो हमारा क्या हो जाएगा, सी वी इज इक्वल टू टी डी एस, क्यू रिवर्सिबल की जगह हमने क्या रख दिया, टी डी एस अपॉन डी टी। ओके, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी वी इज इक्वल टू डी अपॉन टी, मतलब यहाँ का जो टी है वो इधर चला आया। अब फॉर अ कंप्लीट चेंज इसका इंटीग्रेशन अगर हम करें तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं इस चीज़ का, डी एस इज इक्वल टू सी वी डी टी अपॉन टी, तो ये क्या हो जाएगा, डी एस कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट किया है हमने, एस वन से एस टू तक, इज इक्वल टू सी वी डी टी अपॉन टी, और कहाँ से कहाँ तक, टी वन से टी टू तक। ये तो एज इट इज रहेगा, यहाँ से ये जो सी वी हमारा ये क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन टी कहाँ से कहाँ तक, टी वन से टी टू तक। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, लोअर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये क्या हो जाएगा हमारा एस टू माइनस एस वन, सी वी हमारा कांस्टेंट है एज इट इज आ जाएगा, और इसको अगर हम एल एन लॉग के फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एल एन टी टू माइनस टी एल एन टी वन। ओके, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एस, इसको हम सी वी एज इट इज उतार सकते हैं, और इसमें हम क्या लिख सकते हैं, एल एन टी टू अपॉन टी वन, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, टी टू अपॉन टी वन। अब इसको अगर हम लॉग 10 के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा, डेल एस के लॉग 10 के फॉर्म में अगर एल एन को लिखना है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2.303, तो हम क्या लिखेंगे, सी वी इंटू 2.303 लॉग टी टू अपॉन टी वन। ओके, ये हमारा एक मोल के लिए है, अगर ये वैल्यू जो निकल के आई ये हमारी वन मोल के लिए थी, अगर हमें एन मोल के लिए निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, 2.303, अब एन मोल के लिए है तो एन एज इट इज उतार लेंगे, सी वी हमारा यहाँ सी वी लिख लेंगे लॉग टी टू अपॉन टी वन। तो ये हमारा किसका निकल के आया, अभी हमारा ये वैल्यू किसके निकल के आई, सी वी की वैल्यू निकल के आई, क्या रखने पे, क्यू रिवर्सिबल का जो वैल्यू आई थी वो अगर हमने यहाँ पे रखा और उसका इंटीग्रेशन किया तो हमें ये वैल्यू फाइंड आउट हुई। अब हम ये क्यू रिवर्सिबल की वैल्यू किस में रखेंगे, सी पी में। आइए देखते हैं, फॉर्मूला हमारा क्या था, सी पी इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। क्यू रिवर्सिबल की वैल्यू क्या आई थी निकल के, टी डी एस, तो हम क्या करेंगे, सी पी इज इक्वल टू क्या रख देंगे, टी डी एस यहाँ पे लगा देंगे डी टी। ठीक, अब क्या होगा, यहाँ से ये जो सी पी है इसको इधर ले जाएंगे और टी डी एस को इधर ले आएंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, टी डी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी पी डी टी। अब इस टी को भी हम इधर ले आएंगे, तो जब हम इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, सी पी डी टी अपॉन टी। ये यही वैल्यू तो निकल के आई है जैसे हमने वॉल्यूम के रेफरेंस में किया था। आप क्या करेंगे, कंप्लीट चेंज के लिए हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो डी एस का इंटीग्रेशन करेंगे तो डी एस कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट हो रहा है, एस वन से एस टू तक, इज इक्वल टू सी पी डी डी टी अपॉन टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, टी वन से टी टू तक। ठीक, अब ये जो हमारा सी पी है ये कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टी वन से टी टू तक कहाँ क्या है हमारा, डी टी अपॉन टी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एस टू माइनस एस वन जैसा अभी हमने पिछले में लिखा था, सी पी हमारा कांस्टेंट है और इसको हम एल एन के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, एल एन टी टू अपॉन टी वन। इसको लिख देंगे डेल्टा एस फॉर अ कंप्लीट चेंज एंट्रोपी चेंज, सी पी एज इट इज उतार लेंगे और इस एल एन को अगर हम लॉग 10 के बेस पे लिखेंगे तो हम किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2.303 सी पी लॉग टी टू अपॉन टी वन। अगर वन मोल की बात, ये तो हमारा फॉर्मूला था वन मोल के लिए, अगर एन मोल की बात होगी तो क्या करेंगे, 2.303 एन मोल के लिए है तो एन लिख देंगे सी पी लॉग टी टू अपॉन टी वन। तो ये हमारा एंट्रोपी चेंज आ गया किसके रिस्पेक्ट में,
यहाँ हमारा जो एंट्रोपी चेंज आया वो किसके रिस्पेक्ट में आया, सीपी के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे जो हमारा एंट्रोपी चेंज आया था वो किसके रिस्पेक्ट में आया था, सीवी के रिस्पेक्ट में। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।